अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 0.05 पॉइंट जीरो इज़ वॉट परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी जीरो पॉइंट जीरो फाइव कितना परसेंट है ट्वेंटी का ये बताना है तो हमें ये नहीं पता है कितना परसेंट है तो लेट कर लेते लेट परसेंटेज बी एक्स है एक्स परसेंट है तो अब हम ये कह सकते हैं एक्स परसेंट ऑफ ट्वेंटी हमारा कितना है ज़ीरो पॉइंट जीरो फ़ाइव की इक्वल है फिर से बता रही हूँ वो कह रहा है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव कितना परसेंट है ट्वेंटी का तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं वॉट परसेंट ऑफ ट्वेंटी इज़ जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो वही किया है हमने तो हमने वो परसेंटेज नहीं पता था कितना परसेंट था तो हमने उसको x मान लिया x परसेंट मान लिया अब इसको सॉल्व कर लेते हैं x परसेंट मतलब x अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब इंटू ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव तो देखिए एक्स अपनी जगह रहा जीरो पॉइंट जीरो फाइव अपनी जगह रहा इन टू हंड्रेड जो डिवाइड में था वो न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया अब देखिए यहाँ पॉइंट था पॉइंट हटाया तो नीचे दो ज़ीरोज़ लग गए क्यों दो ज़ीरो लगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट थी तो अब इसको क्या लिख सकते हैं फाइव अपॉन हंड्रेड इन टू हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी लिख सकते हैं राइट right? अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए हंड्रेड से हंड्रेड कैंसिल हो गया फ़ाइव वन जो फ़ाइव फाइव फोर जो ट्वेंटी तो ये कितना आ गया वन अपॉन फोर परसेंट का है क्योंकि परसेंटेज में माना था एक्स राइट right? या हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए वन को डिवाइड करना है फोर से तो पॉइंट लगाया ज़ीरो आ गया फोर टू ज़ा एट टू पॉइंट लगा हुआ है तो ज़ीरो ऑटोमेटिकली आ गया फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी तो हमारा कितना आ गया पॉइंट टू फाइव परसेंट आ गया तो हमारा इसका मतलब सी पार्ट करेक्ट आंसर है लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है वन थर्ड ऑफ वन टू जीरो सिक्स इज वॉट परसेंटेज ऑफ वन थर्टी फोर अगर वन थर्ड ऑफ वन टू जीरो निकालें वो कितना परसेंट होगा वन थर्टी फोर का तो हमें वो परसेंट नहीं पता कितना परसेंट होगा तो हम वो लेट कर लेते लेट द परसेंट बी परसेंट बी एक्स परसेंट एक्स परसेंट होगा तो आप देखिए वॉट परसेंटेज ऑफ वन थर्टी फोर एक्स परसेंट ऑफ वन थर्टी फोर इज इसका मतलब इक्वल टू वन थर्ड ऑफ वन थर्ड मतलब वन अपॉन थ्री ऑफ का मतलब इंटू वन टू जीरो सिक्स फिर से कह बता रही हूँ वॉट परसेंटेज ऑफ वन थर्टी फोर एक्स परसेंट ऑफ वन थर्टी फोर इज वन थर्ड ऑफ इज इज मतलब इक्वल टू वन थर्ड ऑफ वन टू जीरो सिक्स अब इसे सॉल्व कर लेते हैं x परसेंट मतलब x अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब इंटू वन थर्टी फोर इक्वल्स टू वन थर्ड वन अपॉइन्ट थ्री ऑफ का मतलब इंटू वन टू जीरो सिक्स अब क्या करेंगे अब देखिए x अपनी जगह रहन रहने दीजिए वन अपॉइंट थ्री अपनी जगह इंटू वन टू जीरो सिक्स अपनी जगह रहने दीजिए अब ये जो 100 डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और जो 134 मल्टीप्लाई में था मतलब न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे तो देखिए थ्री वन ज़ा थ्री थ्री फोर जा ट्वेल्व ज़ीरो थ्री टू ज़ा सिक्स अब अगेन टू से चला जाएगा टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू सेवन ज़ा फोरटीन टू टू ज़ा फोर ज़ीरो टू वन टू अब 67 का टेबल पढ़ते हैं कि उसमें 201 आता है कि नहीं आता है तो देखिए 67 सेवन थ्री करके देखते हैं क्योंकि थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन यूनिट डिजिट वन लानी थी इसलिए अब थ्री ए सिक्स ज़ा एटीन नाइनटीन ट्वेंटी येस तो 67 सेवन थ्री ज़ा टू ज़ीरो वन होता है तो ये कितना आ गया अब हमारा एक्स एक्स आ गया थ्री इन टू हंड्रेड दैट मीन्स थ्री हंड्रेड परसेंट आ गया हमें हमारा आंसर तो दैट्स वाई आर डी पार्ट इज आ करेक्ट आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्स परसेंट ऑफ वाई इज वाई परसेंट ऑफ अगर हम एक्स परसेंट ऑफ वाई करें तो वाई परसेंट किसका इक्वल आ जाएगा देखिए एक्स परसेंट ऑफ वाई इज वाई परसेंट ऑफ किसका आ जाएगा देखिए एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब क्या है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करी एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब एक्स अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब इंटू वाई और हम इसको क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई अपॉन हंड्रेड भी लिख सकते हैं या x इंटू वाई परसेंट भी लिख सकते हैं y अपॉन हंड्रेड को तो y परसेंट ऑफ किसके इक्वल आ गया x के तो यहाँ डैश में हम क्या लिख देंगे एक्स लिख देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया ए पार्ट फिर से बता रही हूँ एक्स परसेंट ऑफ वाई एक्स परसेंट मतलब एक्स अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब इन टू वाई अब ये हंड्रेड एक्स से वाई की तरफ शिफ्ट हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर की चीज़ डिनोमिनेटर में ही है अब वाई अपॉन हंड्रेड को क्या लिख सकते हैं वाई परसेंट अब वो वही पूछ रहा था कि एक्स परसेंट अगर वाई के इक्वल है तो वाई परसेंट ऑफ़ किसका होगा तो हमें पता चल गया एक्स का होगा आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अब इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ टू अपॉइंट सेवन इज वन अपॉन थर्टी फाइव कितना परसेंट होगा टू अपॉइंट सेवन का वन अपॉन थर्टी फाइव कितना परसेंट होगा टू अपॉइंट सेवन का वन अपॉन थर्टी फाइव हमें परसेंट नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं लेट द परसेंट बी परसेंट परसेंट X, X है तो एक्स परसेंट ऑफ टू अपॉन सेवन किसके इक्वल है वन अपॉन थर्टी फाइव के इक्वल है राइट right? फिर से बता रही हूँ व्हाट परसेंट मींस एक्स परसेंट ऑफ टू अपॉन सेवन इज वन अपॉन थर्टी फाइव अब एक्स परसेंट का मतलब एक्स अपॉन हंड्रेड ऑफ का मतलब इन टू टू अपॉन सेवन इक्वल्स टू वन अपॉन थर्टी फाइव एक्स अपनी जगह रहा वन अपॉन थर्टी फाइव अपनी जगह रहा अब जो न्यूमरेटर में था वैल्यू कांस्टेंट वो डिनोमिनेटर में आ गया और जो डिनोमिनेटर में था इस साइड वो न्यूमरेटर में आ गया हंड्रेड इन टू सेवन अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे सेवन वन जो सेवन सेवन फाइव ज थर्टी फाइव फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन एंड जीरो टू वन जो टू टू टेन जो ट्वेंटी तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई टेन तो इसका मतलब परसेंटेज कितना आ गया टेन परसेंट राइट तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बी पार्ट इज़ अ करेक्ट आंसर